इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड में 10th या 12th का एग्जाम दिए हैं और फेल हो चुके हैं, किसी एक विषय या दो विषय में फेल हो चुके हैं, तो उनका जो मार्क्स है यानी दोबारा से कॉपी रीचेक के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और उनका जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब से अप्लाई करेंगे, कितना उनका फी लगेगा, इस वीडियो में हम उनको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं समीर, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बिना किसी देर के हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर ले मैट्रिक की। तो जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक की एग्जाम दिए हुए थे और उनका रिजल्ट आया हुआ है वो फेल हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। या जो अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे बढ़वा सकते हैं, जो संतुष्ट नहीं है अपनी मार्कशीट से। जो भी इच्छुक व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पे 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक कंपार्टमेंटल का एग्जाम लिया जाएगा। जो फेल स्टूडेंट है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए उनको फी कितना लगेगा, तो नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। उनका कुल फी जो होगा 950 रुपये लगने वाले हैं। 950 रुपये दे के अपना कंपार्टमेंटल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फेल है तो पास हो सकते हैं। ये पास कराने के लिए ही कंपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट फेल है किसी एक विषय में या दो विषय में तो यहाँ से पास हो सके। तो आप समझ गए होंगे कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है। ये जो फॉर्म होगा वो अपने जो भी स्कूल होगा उस स्कूल से आप यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे का अपडेट का, आपका नंबर बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, इसमें कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे वो अपने उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन करने की जो समय है आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और इसमें पर सब्जेक्ट आपको 70 रुपये चार्ज देने होंगे। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है कि आपको इस वेबसाइट से जाके स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना होगा, अथवा जो scrutiny.biharboardonline.com पे आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है स्क्रूटनी का अप्लाई करने के लिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपने मोबाइल फोन से आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी साइबर कैफे से करते हैं तो आपको 70 रुपया प्लस आपको लगभग यहाँ पे 150 रुपये का खर्चा आपको आने वाला है। आगे बढ़ते हैं इंटर के लिए अपडेट जो आई हुई है उसको लेके। इंटर स्क्रूटनी के लिए आवेदन हो रहा था और जो डेट था 23 से 30 तक रखा गया था, लेकिन इसको छात्र हित में निर्णय लेते हुए फिर से बढ़ाया गया है। अब 1 अप्रैल 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्क्रूटनी के लिए कॉपी जांच करने के लिए। आपका भी जो इंटर वाले 12th वाले स्टूडेंट होंगे उनका भी यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकता है अगर वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो। क्लियर है, इसका भी अप्लाई करें आप दे सकते हैं scrutiny.biharboardonline.com इस वेबसाइट से जाकर स्क्रूटनी का अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ये वाला वीडियो नहीं देखे स्क्रूटनी अप्लाई के लिए तो आई बटन पर उनको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके स्क्रूटनी अप्लाई अपने मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। तो 2 अपडेट थी, दोनों अपडेट महत्वपूर्ण थी जो आपको मैंने बताया हुआ है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके लास्ट समय से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ताकि सर्वर का इशू नहीं हो। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।